आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सरकार से नाखुश, बोले सैनिक शहीद हो रहे हैं क्योंकि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। कॉर्न फेरी का दावा, वेतन वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष पर बना रहेगा। मालवा में 2 दिन में 2 मर्डर, मध्य प्रदेश में आया सियासी उबाल। छत्तीसगढ़ में 800 डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा विभाग की हालत खराब। और बुंदेलखंड में परेशान किसान सड़कों पर उतरे, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप खबरें विस्तार से। ऐसा लगता है संघ प्रमुख मोहन भागवत मोदी सरकार से खुश नहीं हैं। मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि सीमा पर लगातार सैनिक शहीद हो रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के बयान बताते हैं राजनीति की दिशा ठीक है कि नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है सीमा पर हो रही गतिविधियों से वे नाखुश हैं और केंद्र सरकार का रवैया भी इनमें ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि सीमा पर लगातार सैनिक शहीद हो रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है, जब युद्ध आता बताया था। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। आरएसएस प्रमुख ने नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि देश इस समय कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, किसी देश ने भारत पर हमला नहीं किया है, इसके बावजूद देश की सीमाओं पर सैनिक शहीद हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आरएसएस प्रमुख ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें केंद्र सरकार पर तंज कहा जा सकता है। साल भर मेहनत से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। इस साल कर्मचारियों का वेतन 2.5 अंकों में बढ़ सकता है। हालांकि महंगाई के कारण वेतन की वास्तविक वृद्धि 5% के स्तर पर सीमित रह सकती है। वैश्विक सलाहकार कंपनी कॉर्न फेरी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। कंपनी ने कहा कि तेज आर्थिक वृद्धि के कारण एशिया में कुल वेतन और वास्तविक वेतन वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष पर बना रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में देश में वेतन वृद्धि पिछले साल से 9% के मुकाबले 10% रह सकती है। हालांकि महंगाई समायोजित वास्तविक वेतन वृद्धि 2018 के 4.7% के मुकाबले 5% रह सकती है। कॉर्न फेरी इंडिया के चेयरमैन एवं क्षेत्रीय प्रबंधन निदेशक नवनीत सिंह ने कहा कि तेज आर्थिक वृद्धि के बल पर कुल वेतन वृद्धि तथा वास्तविक वेतन वृद्धि के मामले में एशिया में भारत शीर्ष पर बना रहेगा। पूरे एशिया की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एशिया में इस साल वेतन में 5.6% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। कॉर्न फेरी इंडिया ने कहा कि महंगाई का असर शामिल करने के बाद यह दर 2.6% रह सकती है। मालवा में 2 दिन में 2 हाई प्रोफाइल हत्याकांडों ने सूबों की सियासत को गर्म कर दिया है। इंदौर में कारोबारी संदीप अग्रवाल उर्फ तेल और मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद वंदवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है तो कमलनाथ ने कहा है आपराधिक घटनाओं का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। बुधवार को इंदौर में कॉमोडिटी कारोबारी संदीप तेल की 2 भाड़े के हत्यारों ने सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। संदीप का कई लोगों से विवाद चल रहा था। पुलिस कई एंगल में इस हमले की जांच कर रही है। संदीप हत्याकांड की आग ठंडी हो पाती कि मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद वंदवार को जिला सहकारी बैंक के सामने गोली मार दी। हमलावर ने करीब से सिर पर गोली मारी जिससे मौके पर ही वंदवार की मौत हो गई। घटना की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। क्षेत्र में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है।
इस घटना पर जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम एक पत्र लिखा, वहीं भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था को निशाने पर ले लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके बेटे ने ही एफआईआर में नाम दर्ज किया है कि जिसने हत्या करी है जी। तो इसमें कोई बड़ी जांच की आवश्यकता नहीं है कि दो आई विटनेस है जी। ये मुझे बताया गया कि वहाँ अशु मेरा है, अशु मेरा है। वो कहीं चला गया है। उसमें कोई शक नहीं कि आरोपी कौन है और किसने हत्या करी है। इस पर राजनीति हो, किसी हत्या एक राजनीतिक मुद्दा बने, इसे मैं ठीक नहीं मानता, खास करके अगर किसी पार्टी का ये अंदरूनी मामला हो। बंधवार को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बंधवार का हत्यारा बीजेपी से जुड़ा व्यक्ति मनीष बैरागी ही निकला, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पे पलटवार किया। इन दोनों ही मामलों में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस की जमकर खिंचाई की है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सख्ती आई है, मंदसौर में भी गिरफ्तारी हो रही है और बीजेपी ही का व्यक्ति दोषी पाया जा रहा है। जहां तक इंदौर का सवाल है, सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। पिछले 15 साल में प्रदेश में क्राइम के मामले में नंबर एक रहा है, महिला अत्याचार रेप और गैंग रेप के नाम पर नंबर एक रहा है। तो अभी एक महीना ही नई सरकार को हुआ है, सख्ती बरती जाएगी, किसी भी तरह से कोई भी क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों घटनाओं में पुलिस ने मौके पर मिले बुलेट के आधार पर कार्यवाही की, लेकिन इंदौर वाले मसले पर पुलिस और सरकार दोनों ही कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने साफ कर दिया है, कानून व्यवस्था के मामले पर वह कमलनाथ सरकार को बख्शने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुलासा किया कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अच्छी नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 800 पद खाली हैं। टीएस सिंहदेव बिलासपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। अपनी बेबाकी के लिए चर्चित छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग की असलियत बयान कर दी। उन्होंने कहा, विभाग की हालत खराब है, 27 जिलों में से 26 जिलों के अस्पताल के हालात ठीक नहीं है, डॉक्टर्स के ही 800 पद खाली हैं। टीएस सिंहदेव बिलासपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बिलासपुर में सिंहदेव का जोरदार स्वागत किया गया। सबसे चिंता और दुख की बात है कि स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो 14% से ज़्यादा उनकी भर्ती नहीं है। 900 कुछ स्पेशलिस्ट में 800 पद खाली हैं, 800 पद रिक्त हैं। विभाग की स्थिति अच्छी नहीं है, इसमें प्रमोशन 36 साल डॉक्टरों ने सेवा की, उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिला। आज 27 जिले में 26 जिला अस्पताल हैं, एक शायद सीएमओ रेगुलर होगा, बाकी सीएमओ रेगुलर नहीं है। बिलासपुर में स्वास्थ्य व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव का आतिशी स्वागत किया गया। हर 20 कदम पर कार्यकर्ताओं ने उनका आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। टीएस सिंहदेव द्वारा बनाए गए जन घोषणा पत्र ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत को बहुत आसान बना दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में टीएस सिंहदेव का कॉन्सेप्ट फिर नजर आने वाला है। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम है उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। शौर्य का प्रतीक केसरिया, शांति का सफेद और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवावासी क्वार्टर की ओर से बहुत बहुत बधाई। पर्क चिन्ह की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर प्रेस क्लब के खास कार्यक्रम हमर पहुना के तहत टीएस सिंहदेव प्रेस क्लब पहुंचे, जहां प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने पहुना टीएस सिंहदेव का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायत और स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 85% आबादी को केवल प्राइमरी केयर की आवश्यकता है, उन दवाइयों की आवश्यकता है जिससे सर्दी ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, मलेरिया दूर हो जाए, ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और वो दवाइयां अगर उपलब्ध नहीं हो रही हैं जिन कारणों से, तो ये हम लोग की पहली जिम्मेदारी है कि उन दवाइयों को पीएचसी सेंटर तक, मितानिनों के हाथ तक, बड़ा आगे का तो छोड़ दीजिए, वहां पर उपलब्ध कराएं। जितना नहीं होगा वो हम लोग की कमी। एमपी में नई सरकार बनने के बाद किसानों की समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही। छतरपुर जिले की कृषि मंडियों में समस्याओं से परेशान किसान अब सड़क पर उतरने लगे हैं। छतरपुर के बक्सवाहा ब्लॉक के दर्जनों किसानों ने मंडी में जबरन वसूली से परेशान होकर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। बक्सवाहा ई उपार्जन केंद्र, बमोरी ई उपार्जन केंद्र में किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। किसानों की जो तुलाई होती है उसमें चार चार दिन उनको बैठना पड़ रहा है, और उनको जो उनकी तुलाई होती है उनकी रसीदें नहीं दी जा रही हैं, जिस कारण किसानों को ये मालूम नहीं होता है कि हमारी कितनी फसल हमने अपनी जमा की है। इस संबंध में आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि हमें रसीदें तुरंत दी जाएं, और इसके अलावा चार चार किलो एक क्विंटल पे कटौती हो रही है। ये कटौती किस आधार पे हो रही है इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे कृषकों को एक एक पाई पाई का हिसाब और पाई पाई का पैसा हमारे किसानों को मिलना चाहिए। क्षेत्र के किसानों द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया है कि उनका जो माल खरीद किया गया है उसकी रसीद वगैरह नहीं दी जा रही है ना, केंद्र प्रभारी द्वारा। तो मैं अभी जाके देखता हूँ, और उनसे जो भी खरीदी हुई है उसकी भी सूची निकलवा के है ना किसानों को अवगत कराऊंगा। किसानों ने ज्ञापन में लिखा है कि फसल मंडी अधिकारी नहीं खरीदते, बल्कि व्यापारियों से फसल खरीदी जा रही है। वहीं किसानों को दो दो दिन अपनी फसल बेचने का इंतजार करना पड़ता है, और किसानों से तुलाई के नाम पर वसूली की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी अपनी से बाज नहीं आ रहे। अब नक्सलवादियों ने बैनर पोस्टर लगाकर भारत बंद को सफल बनाने के साथ जंगल और जमीनों को बचाने की अपील की है। बस्तर राष्ट्र राजमार्ग 63 पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर बांधकर 25 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत बंद को सफल बनाने का ऐलान किया है। साथ ही बैनर पोस्टर में नक्सलियों ने लिखा है, समानतावाद पूंजीपति साम्राज्यवादियों के मुनाफे के लिए बड़े बड़े वादे व खदानों को खोदने का काम बंद करो। नक्सलियों ने जल जंगल जमीनों को बचाने की अपील भी की है। साथ ही नक्सलियों ने जनता सरकार को मजबूत करने, उसका विस्तार करने और नवजनवादी क्रांति जिंदाबाद के नारे लिखे हैं। नक्सलियों के इस बढ़ते कदम को देखते हुए इसकी जानकारी जैसे ही गीदम पुलिस को लगी, उसने बिना डरे घटनास्थल पर पहुंचकर बैनर पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। नक्सलियों से जुड़ी एक और खबर आ रही है राजनांदगांव में, जहां पुलिस से नक्सलियों का सामना हुआ और नक्सलवादियों को सामान छोड़कर भागना पड़ा। राजनांदगांव के थाना गातापारा में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा से लगे भावे के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। पहले दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई और पुलिस को आगे बढ़ता देख नक्सली सामान छोड़कर भाग गए, जहां जंगल से बड़ी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है। रीवा में उत्कृष्ट विद्यालय की शिक्षक अरुण मिश्रा पर विद्यालय की छात्राओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है, लेकिन इस मामले में भी पुलिस का लचर रवैया सामने आ रहा है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित उत्कृष्ट मातंड विद्यालय में एक शिक्षक छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था। इससे परेशान छात्राओं ने जब स्कूल जाना बंद किया तो इस मामले का खुलासा हुआ।
मातंड विद्यालय की छात्राओं के साथ अभिभावक थाने पहुंचे तथा उन्होंने शिक्षक के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कल जाने लगी तो बोली कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो मम्मी पूछी कि क्यों स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, बोले वो टीचर नहीं है क्या जी करते हैं, तो बताई हमको हमारी मुझे हम स्कूल में थे, हमने कहा कल हम आएंगे, लेकिन हमने फिर फोन लगाया स्कूल में हमारे शिक्षक मिलने वाले हैं, मुझे बताया ऐसी ऐसी घटना है, तो उन्होंने इनको बुलवाया अरुण मिश्रा को बुला करके कहा कि बताइए ऐसी ऐसी बदतमीजी करते हो आप, बच्चियाँ बता रही गार्जियन, फिर और बच्चियों से हमने पूछा कि ऐसा हमारी बच्ची कभी हमसे नहीं बताई, और चार पांच बच्चियाँ बताई, वो सब लोग बताई हमको, और वो सब आई हैं आज, उनकी मम्मी आई हैं, सब लोग कहीं उनकी आई साहब के सामने बोली है ये गलत काम करते हैं। ये जो थाने के पास में एक मारतंड स्कूल है, यहाँ की कुछ बच्चियाँ और उनके गार्जियंस मेरे पास कंप्लेंट करने आए थे कि एक शिक्षक हैं वो अश्लील तरीके से उनको बैग टच करते हैं, इसकी मैं प्रॉपर जांच कर रहा हूँ और उन शिक्षक को मैंने बुलवाया है और विधिवत जांच करके जो भी वैधानिक होगा सबकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टेटमेंट लेने के बाद जो वैधानिक कार्रवाई। शिक्षक अरुण मिश्रा के इस मामले का खुलासा होते ही इलाके में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। छात्राओं के परिजनों का कहना है कि शिक्षक आए दिन इस तरह की हरकतें करता रहा है, लेकिन अब जब पानी सर के ऊपर गया तब उन्हें शिकायत करने के अलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। हालांकि इस मामले पर विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं दबाव बनाने के लिए थाने पहुंची। इस मामले में पुलिस का भी ढीला रवैया सामने आया है। गौवंश की तस्करी कर गायों को ट्रक में भरकर ले जा रहे तस्करों को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये मामला होशंगाबाद के पिपरिया का है। पिपरिया तहसील में बजरंग दल नगर संयोजक राकेश पहलवान ने अपने साथियों के साथ एक ट्रक का पीछा करते हुए उसे रुकवाने की कोशिश की। ट्रक का पीछा होते देख ट्रक ड्राइवर व हेल्पर शहर के बीचों बीच ट्रक को छोड़कर भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ट्रक पर ढके कपड़े को हटाकर देखा गया तो उसमें भारी संख्या में गौवंश भरा हुआ था। गौवंशों को दो पार्टीशन में ठूस ठूस कर भरा गया था। दुकान पर जब मैंने देखा गया एक ट्रक आ रहा है और एकदम उसमें ड्राइवर नहीं है और एकदम ड्राइवर कूद के भाग गया वहाँ से, मैंने जैसे ड्राइवर को कूद के जाते हुए देखा तो मुझे शक हुआ कि यार इसके अंदर कुछ है, जैसे आगे जाके देखा ट्रक स्टार्ट होता रिवर्स चला गया ट्रक, जाके हमने कुछ दूरी पे जाके देखा कि लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगे जाके पनी हटा के देखा उसके तो उसके अंदर जानवर निकले, फिर मैंने 100 डायल को फ़ोन किया, मेरे सभी साथी संगठन को फ़ोन किया, सभी को बुलाया। एक सूचना के आधार पर सामाजिक संगठनों के सहयोग से एक मवेशियों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें ड्राइवर तो भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया था, बाकी उक्त ट्रक से अवैध ठूस ठूस कर भरे गए कुर्तापूर्वक भरे गए जो कत्ल खाने ले जा रहे थे उक्त मवेशियों को 62 मवेशी जब्त किए गए, ट्रक को भी जब्त किया गया तथा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ट्रक चालक और क्लीनर के खिलाफ। इसके बाद तत्काल बजरंग दल कार्यकर्ताओं व समाज सेवियों ने ट्रक थाने में लाकर पुलिस कर्मियों के साथ रेस्क्यू करते हुए 2 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 61 गौवंशों को ट्रक से बाहर निकाला। लंबे समय से ट्रक में फंसे होने के कारण पशुओं की हालत खराब हो गई थी। पशुओं के उपचार के लिए डॉक्टर और चारे पानी की व्यवस्था की गई है। जब्त ट्रक सलीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ट्रक को किसी कसाई खाने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ड्राइवर कंडक्टर की तलाश शुरू कर दी है। रीवा में किरण होम्योपैथिक क्लिनिक के तत्वाधान में 20 जनवरी को कृष्णा राज कपूर एडिटोरियम में निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण का आयोजन किया जाएगा। शिविर के आयोजक डॉक्टर भव्य मिश्रा ने बताया कि निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर एवं दवा वितरण का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद भोपाल की रजिस्ट्रार डॉक्टर आयशा अली करेंगी। शिविर में परीक्षण एवं दवा वितरण का लाभ उन्हीं को मिल सकेगा जिनका पंजीयन पहले से ही है। शिविर के समापन सत्र में होम्योपैथिक चिकित्सा एवं निदान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद देश के प्रसिद्ध कवियों द्वारा काव्यांजलि प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर पर रीवा विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि होंगे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होगा। जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर होने जा रहा है, ये अभी तक भारतवर्ष का सबसे बड़ा होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। आप लोगों का सहयोग
इसमें अभी हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर रखी है, 10 तारीख से 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया होगी, है ना। और इसमें अनुमानित मरीजों की संख्या 2 से 2500 पेशेंट का बना रखा है हमने, और डॉक्टरों की संख्या अगर मानी जाए तो 50 से 55 होम्योपैथिक चिकित्सक आ रहे हैं और 14 से 15 होम्योपैथिक MD फिजिशियन आ रहे हैं हमारे पूरे कैंप में। इसकी पूरा रूपरेखा जो तैयार की है डॉक्टर आयशा अली रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, वो भी हमारी गेस्ट हैं और आ रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर होम्योपैथी के क्षेत्र में रीवा का एक जो है नाम आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि अभी तक एक हिंदुस्तान में बाकी दूसरी पद्धतियाँ जो हैं चिकित्सा के उसके तो बड़े बड़े शिविर होते हैं लेकिन होम्योपैथी के बहुत कम होते हैं, और ये शायद सबसे बड़ा दूसरा रहेगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रहेगा, 1375 के बाद ये शायद सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ये शिविर रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।